नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आज यहां पर किसकी, विश्व के इतिहास के बारे में। जी हां दोस्तों, विश्व का इतिहास और विश्व के इतिहास में भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित हम लोग बात करेंगे। जी हां दोस्तों, काफ़ी समय पहले दोस्तों क्या था कि अलग अलग राष्ट्र जो है ना वो यूरोप साइड में नज़र नहीं आते थे। छोटे छोटे राजनीतिक छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में इनको बांटा गया था। तो फ्रांस की जो क्रांति है वहाँ से इसकी बात शुरू होती है। उसके अलावा अमेरिका में भी जो है अलग अलग जो है साम्राज्य में वो बटा हुआ था। इन सब की बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या होता है कि जो एक यूनिटी जो होती है, एक जो सामूहिकता एकता की जो बात होती है उसके अंतर्गत इसमें राष्ट्र से संबंधित बात की जाती है। तो बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से। दोस्तों राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, है ना, राष्ट्रवाद कैसी भावना है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है दोस्तों जिसमें व्यक्ति की है ना उच्चतम, जी हाँ, हाईली जो है निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि देश के लिए जो है ना वो पूरे जो समर्पण की भावना होती है, पूरे जो यूनिटी की भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद का यहाँ पर नाम देते हैं। तो स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। दोस्तों पहले अमेरिका में ऐसा होता था कि अमेरिका अलग अलग छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ था। बाद में इनकी एक यूनिट बनाई गई, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। यानी कि अलग अलग राज्य मिलकर के एक यूनिट बनते हैं और एक देश का निर्माण होता है। तो वो जो है हमें यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्र बनाने की जो इच्छा शक्ति है वो अमेरिका में यहाँ पर देखी जा सकती है। दोस्तों राज्य की जो राज्य नेशन स्टेट की जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर यूरोप की, है ना, अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो उसमें क्या होता है कि जब कभी भी यूरोप की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ में हुई थी। इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने की भूमिका निभाई। जैसे मैंने कहा फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 की बात है, है ना, वहाँ से आगाज होता है दोस्तों इस राष्ट्रवाद की भूमिका का। और ख़ास तौर पर यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भूमिका की यदि हम बात करें तो वो जो उदाहरण है वो कहाँ पर नज़र आता है, तो वो यहाँ पर है ना नज़र आता है फ्रांस की क्रांति 1789 के अंतर्गत। 18वीं सदी के मध्य यूरोप के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलता। जी हाँ, अगर हम 18वीं शताब्दी की अगर बात करें और उसमें अगर राष्ट्र राज्य की बात करें ना दोस्तों, तो उसमें हमें नज़र नहीं आती है इस प्रकार की कोई परिकल्पना। यूरोप विभिन्न राजशाहियों, डचियों और कैंटनों तथा छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में क्या था कि छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयों में ये बटा हुआ था, है ना, और कुछ डच के नाम से बटे हुए थे, कुछ कैंटनों के नाम से बटे हुए थे, कुछ धर्म के नाम पर, जी हाँ दोस्तों, कुछ जो है मजहबी आधार लिए हुए थी। तो इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हुआ करती थी तथा जिनमें शासकों के जिनमें दोस्तों क्या है कि जो शासकों की अगर मैं बात करूं कि स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहा करते थे। दोस्तों अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है ना एक यूरोप में क्या कंसेप्ट चला करता था कि जो शासक होता था वो मेन होता था और इसके हिसाब से ही इन क्षेत्रों में तरह तरह के विभिन्न जो लोग हैं वो रहा करते थे। वो अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, है ना। वो मतलब अपने अपने हिसाब से सब अपना काम करते थे, कोई किसी का है ना के समूह का हिस्सा या एक है ना यूनिट में रहना पसंद नहीं किया करते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न नस्ली समूह के सदस्य भी थे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर रहने वाले लोग कोई किसी क्षेत्र से आ रहा है, तो सभी लोग क्या है कि है ना अपने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर रहा करते थे। और उसके अतिरिक्त दोस्तों ये अपने हिसाब से ही काम करते थे, ये अपने आप को पूरा क्या मानते थे, अलग ही यहाँ पर माना करते थे। वे अलग अलग भाषाएं भी बोला करते थे और नस्लीय समूह के अलग अलग सदस्य भी थे, बिल्कुल, है ना। तो वो क्या करते थे दोस्तों, है ना, अलग अलग क्या बोला करते थे, भाषाएं बोला करते थे और वो नस्लीय समूह के भी अलग अलग क्या थे, सदस्य यहाँ पर थे।
जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। दोस्तों अब हैब्सबर्ग की अगर बात करें उस साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा, जी हाँ जर्मनी की जो भाषा है जर्मन भाषा, उसको बोलने वाले लोगों की क्या थी, अधिकता थी। तथा हंगरी में आधे से ज्यादा लोग मैंग्यार भाषा बोला करते थे। तो जो हंगरी राष्ट्र है ना दोस्तों, वो हंगरी जो राष्ट्र है, इस हंगरी राष्ट्र के अंदर क्या है, मैंग्यार भाषा जो है वो ज्यादा बोली जाती थी। तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोला करते थे, उनमें यूनिटी यहाँ पर नजर नहीं आ करती, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। अब बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई अलग भाषा बोल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ये चला करता था। ग्लीसिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोला करते थे। जी हाँ, ग्लीसिया के जो लोग कुलीन वर्ग है वो कैसी भाषा बोला करते थे, वो पॉलिश भाषा जो है उसका यूज किया करते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों के आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा हुआ करती थी। दोस्तों अब यूरोप में राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है ना, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है दोस्तों, वो क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर यह है कि भाई देखिए, यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यह वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। दोस्तों अब क्या है यहाँ पर, है ना, यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो यूरोप में क्या है कि भाई कुछ कुलीन वर्ग तो हुआ ही करता था और उनका प्रभुत्व भी ज्यादा रहा करता था। उसके अतिरिक्त यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या हुआ करती थी वो कृषि पर निर्भर रहा करती थी, यानी कि वो क्या थे, वो फार्मर थे, वो किसान थे, कृषि जो करना है उनका प्रमुख जो है व्यवसाय के अंतर्गत आता था। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती किया करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे, है ना दोस्तों। इसमें क्या है, कुछ तो छोटे काश्तकार यानी कि किसान काम किया करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप की अगर मैं बात करूं तो वहां पर, है ना, बड़े विशाल जागीरदारों के पास में जमीनें हुआ करती थी और उनके अंडर में जो है वो जो कोई दास वगैरह उन्होंने बना रखे होते थे, कुछ गुलाम बना रखे होते थे, वो स्लेव जो है ना दोस्तों वो यहाँ पर खेती किया करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों का विकास होने लगा और शहरों के विकास के साथ साथ वाणिज्यिक वर्गों का भी क्या उदय हुआ और सामाजिक समूह क्या हुआ अस्तित्व में आया, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ था। इन वर्गों में कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक लोकप्रिय हुए। दूसरा अगर कारण की बात करूं तो दूसरा कारण है उदारवादी राष्ट्रवाद। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने किया था। जी हाँ, अगर राष्ट्रीयता की बात अगर करते हैं हम यूरोप में, तो उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने जो है इस भावना को ज्यादा तुल दिया। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से, बिल्कुल उदारवाद का अर्थ क्या है यहाँ पर कि ना समान सभी व्यक्ति रहेंगे और सभी को सभी समान रूप से क्या रहेगी, स्वतंत्रता हासिल रहेगी। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना था। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे भाषण, लेखन, सभा संगठन, निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी लोग चाहते थे, जैसे कि वो भाषण देना चाहते थे, अगर अपनी मर्जी से कुछ लेखन कार्य करना चाहें तो वो, सभा का आयोजन करना चाहें, संगठन बनाकर, निजी संपत्ति की यदि सुरक्षा करना चाहें तो वो सभी चीजें, है ना, सुनिश्चित करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बुनी हो। अगर राजनीति के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता था कि भैया ऐसी सरकार बननी चाहिए, राष्ट्रवाद ये चाहता था कि ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सबकी सहमति से बने, है ना, ऐसे नहीं कि किसी एक निरंकुश शासक ने शासन की व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी हो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो क्या चाहते थे दोस्तों, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर, है ना, सभी की सहमति से आम जनता जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक रूप से जो है शासन व्यवस्था चलती हो, इस प्रकार की राजनीति पर वो सहमत होना चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने की मध्य वर्गों की जोरदार मांग से संबंधित था। सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषाई इलाकों को नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बना। दोस्तों हाँ, अब क्या हुआ कि भैया यहाँ पर नेपोलियन ने एक प्रशासनिक रूप से एक प्रयास किया जिसमें छोटे छोटे प्रदेश होंगे, यानी 39 राज्यों को मिलाकर के एक, है ना, महासंघ बनाने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा नापतोल प्रणाली हुआ करती थी। दोस्तों अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे, है ना, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए 39 राज्यों का एक जो समूह बना, इनकी अपनी खुद की क्या होने लगी, मुद्रा और नापतोल की व्यवस्था होने लगी, फिर भी लेकिन ये संघ के रूप में कार्य करने को तैयार थे।
1833 में हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। दोस्तों हैमबर्ग और न्यूरेमबर्ग अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है ना एक जगह से दूसरी जगह, यूँ समझ लीजिए, तो उसको कितने, इसको जो है ना करीबन 11 अलग अलग क्या देने पड़ते थे, चुंगी चुकानी पड़ती थी, शुल्क देने पड़ते थे, तब जाकर के वो है ना अपना कोई भी सामान जो है वो वहाँ पर बेच सकता था। नया वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तु, लोगों, पूंजी और आवागमन बाधा रही। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है इसके आधार पर ये चाह रहे थे लोग कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि भाई एक ही बार टैक्स देना पड़े और अपना जो काम है वो इजी गोइंग तरीके से हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ठीक है साहब, यहाँ तक हमको बात समझ में आई। उसके बाद में जहाँ वस्तुएं, लोगों, पूंजी का आवागमन बाधा रहित होना चाहिए, जहाँ पर क्या है कि लोगों की जो पूंजी लगी हुई है, आवागमन की बात हो, वो सब क्या हो, बाधा रहित हो, ऐसे आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 1834 ईस्वी में प्रशासन की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन के रूप में स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। अब दोस्तों हुआ क्या, इसके लिए इन्होंने एक ना एक जॉइंट रूप में एक इन्होंने एक संगठन बनाया जो ना संघ, एक शुल्क संघ जॉलवेराइन के रूप में इन्होंने स्थापित किया जिसमें अधिकांश जर्मन के जितने भी इस प्रकार के छोटे मोटे राज्य हैं वो क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 30 के ऊपर थी। दोस्तों अब इन्होंने क्या कर दिया कि शुल्क जो है ना वो माफ़ कर दिया, या फिर उनके जो कंसेप्ट था उसमें ना 11 को घटा दिया गया और 11 से कम शुल्कों पर ये लोग क्या हो गए, राजी हो गए। दूसरी बात क्या है दोस्तों यहाँ पर, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 30 के ऊपर थी। दोस्तों अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने यहाँ पर है ना मुद्राएं जो हुआ करती थी वो मुद्राएं भी क्या कर दी, मुद्राएं जो है वो पहले 30 से ऊपर हुआ करती थी, अब मुद्राएं घटा करके क्या करती, 2 प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलना शुरू कर दिया। इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया और उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को, आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को मजबूत कराया। दोस्तों अब राष्ट्रीय एकीकरण हुआ तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावनाएं भी जो है ना वो विकसित हुई और इस राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण आर्थिक राष्ट्रवाद को भी मजबूत बना दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति की। जी हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जो है दोस्तों यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में देवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं होता है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। ये संकल्पना राष्ट्रीयता की जीत थी और राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी जिसका यह दावा था कि देवी अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। दोस्तों इंग्लैंड की अगर बात करें और फ्रांस की बात करें तो उनका यह मानना था कि देवीय अधिकार जो है उसका कोई औचित्य नहीं है। फ्रांस में भी क्रांति ने कुछ इसी प्रकार की धारणाओं को आगे बढ़ाया और स्वतंत्र उनका कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती, अर्थात जनता जो है ना दोस्तों वो सर्वोपरि यहाँ पर मानी गई है। राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी उसका यह दावा था कि देवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। जी हाँ दोस्तों, देवीय अधिकारों के आधार पर राज्य की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, निरंकुश राजा की होती है। तो यहां पर है ना इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति में ये हमें देखने को मिलता है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, जी हाँ दोस्तों 1815 के बाद में जो रूढ़िवाद आया उसकी अगर बात करें तो 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। दोस्तों अब क्या हुआ कि विश्व युद्ध में है ना इन्होंने क्या कर दिया था, नेपोलियन को जब हरा दिया तो हराने के बाद में विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहा, नेपोलियन की बात कर रहा हूँ, तो नेपोलियन को जब हरा दिया इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से मिले। तो उससे पहले भी जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जब इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया तो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में ये मिल गए थे दोस्तों, है ना। तो अब क्या हुआ अब अर्जेंटीना की राजधानी वियना, वहां पर ये मिले और वियना कांग्रेस में एकत्रित होकर राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ और अनुभव के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण, पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण, राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाओं से यूरोप को दूर रखने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया था, किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था। यही कारण है कि जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश वियना कांग्रेस में की थी अगले 100 वर्षों तक वो ध्वस्त होती नजर आई। दोस्तों अब क्या है कि इन राष्ट्रों ने, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर के यूनिटी बनाई। नेपोलियन को हराने के बाद में ऑस्ट्रिया में मिले, वहां पर एक कांग्रेस का निर्माण करवाया, किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था। यही कारण था कि भाई है ना जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश उन्होंने की थी वो उसमें 100% सक्सेस नहीं हो पाए थे। उनका नए युग के लक्षण, राजनीतिक उदारवाद और लोकतंत्र जो भावनाएं
जो वहां पर रखी जानी चाहिए थी उससे वो दूर हो गए, जिसके कारण से ये जो कंसेप्ट है दोस्तों वो लंबे समय तक नहीं चल पाया था। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट निकल करके आता है। उसके बाद में क्रांतिकारी की अगर बात करें तो 1815 ईस्वी के बाद वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए थे। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना आजादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। दोस्तों अब क्या हुआ कि यहाँ पर है ना क्रांतिकारी विचारधारा जो है वो शुरू होती है, जिसमें है ना इस तरह की जो बातें हो रही हैं। अब उदारवादी जो राष्ट्रवादी जो भूमिकाएं जो थे लोग वो भूमिगत हो गए और उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर है ना कुछ क्रांतिकारियों को है ना धीरे धीरे प्रशिक्षण देना जो है वो शुरू कर दिया था। क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है दोस्तों कि उन व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद में स्थापित की गई थी। जो बाद वियना कांग्रेस के बाद में जो छोटी मोटी है ना दूसरे जो संगठन आदि बने हैं उनका विरोध करना इस पर्टिकुलर क्रांतिकारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। और उसके अलावा संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने और आजादी से संबंधित है ना इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा जो है वो उनका मानना था। भाषा और लोक कथाओं का योगदान। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, कला काव्य कहानियों किस्सों और संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। स्थानीय बोलियां व स्थानीय लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना तथा राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखा गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ, भाषा और लोक कथाओं के योगदान की अगर बात करें तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। खासतौर पर कला काव्य कहानी किस्से जो हैं है ना इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा। पहले जो पोलिश भाषा चलाई जाती थी अब उसको हटाकर कौन सी रूसी भाषा जो है उसको ज्यादातर विद्यालय आदि में जो है वो शुरू कर दिया गया था। रूसी भाषा को शुरू करने का इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जिससे कि है ना राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हो पाए। तो भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर जब रूसी भाषा को जबरन लादा गया तो 1831 के रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया था दोस्तों। और इसके बाद चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक स्थलों पोलिश का इस्तेमाल हुआ। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाती है दोस्तों। अब क्या हुआ कि फिर से है ना कुछ इसके लिए विरोध के स्वर उठे और धीरे धीरे रूसी भाषा को हटाना शुरू कर दिया गया। और उसके बाद में रूस ने फिर भी क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था तो इसने भी उसे कुचलने का प्रयास किया। फिर भी जो कुछ संगठन थे जैसे कुछ चर्च आदि हुआ करते थे उनमें फिर भी वो लोग पोलिश भाषा को ही ज़्यादा काम में लेने लगे थे। औद्योगिक क्रांति की अगर बात करूं तो मानव सभ्यता के आरंभ में 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतया हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। मानव ने ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज की, इनके उपयोग में उसकी कार्यशक्ति की कोई सीमा नहीं। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई थी दोस्तों। दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न एक ऐसा देश है जहां अति प्राचीन काल में ही लोह भट्टियों के उच्च स्तर का इस्पात होता था। इसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लोह स्तंभ बिना जंग लगे खड़ा है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति यहां पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। अब इसमें क्या है, औजारों आदि का ज्यादा उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की मशीनरीज का ज्यादा उपयोग किया जाता है, वाष्प शक्ति यानी कि जो स्टीम होती है ना उसका उपयोग किया जाने लगा, विद्युत से संबंधित चीजों का उपयोग, गैस का उपयोग जो है किया जाने लगा जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के रूप में क्या हुई, धीरे धीरे विकसित हुई थी। एटॉमिक एनर्जी जो है वो विकसित होना शुरू हो गई। दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों में संपन्न एक ऐसा देश था जो अति प्राचीन काल से लोहे भट्टियों का उचित इस्तेमाल करता था। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश था, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर है ना क्या है कि ये जो भारत देश है तो यहाँ पर लोहे कुटीर उद्योगों में जो लोहे की भट्टी आदि का इस्तेमाल हुआ करता था। और दोस्तों दिल्ली का जो लोह स्तंभ है ना वो उसकी एक खास बात क्या है कि वो आज भी बिना जंग लगे हुए और बिना कहीं से उखड़ने के वहां पर निशान नहीं है। बहुत अच्छा रसायन शास्त्र का एक हमें उदाहरण भी मिलता है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदलकर तथा मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। पहले एक जो है
अन्न को उगाया जाए, फिर उसके बाद में दूसरी बार दूसरे अन्न को उगाया जाए, इस प्रकार से रूटीन में चेंजेस किए जाएं, ये कंसेप्ट भी जो है मिश्रित कृषि का, ये भारत में ही मिलता है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया में दिशा देने वाली औद्योगिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका। जी हाँ, बांध का निर्माण करना या फिर पुलों आदि का निर्माण करना, ये भी भारत का ही कंसेप्ट हुआ करता था। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत में बीच बनाया गया राम सेतु उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योगों, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए गए हैं। दोस्तों, राम सेतु जो है, हजारों वर्षों पूर्व राम सेतु जो है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, जिसके निर्माण विधि से हजारों शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में जो कृषि से संबंधित व्यापार और वाणिज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, अगर हम बात करें ट्रेड की या कॉमर्स की, तो उससे संबंधित जो उदाहरण है ना दोस्तों, वो भारत देश का एक जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, वो एक अनुपम और अनूठी मिसाल हमें पूरे विश्व से अलग करती है। तो ये प्राचीन समय से ही हमारे भारत देश में जो है इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।